चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर अमर्यादित बयान के पक्षपात, ये मामला राजनीतिक रूप से तुल पकड़ता जा रहा है। कल उन्होंने नालंदा कॉलेज के प्रांगण में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक अमर्यादित बयान दिया था, जिसके बाद आज उसी कॉलेज में अखिल विद्यार्थी भारतीय परिषद ने गंगा जल की छिड़क कर कॉलेज को शुद्ध किया और सांसद कौशलेंद्र कुमार का पुतला भी फूका। छात्र नेता प्रतीक कुमार ने बताया है कि कल इसी कॉलेज में सांसद के द्वारा दिए गए बयान ने कॉलेज को अमर्यादित बयान देकर कॉलेज प्रांगण को अशुद्ध करने का काम किया है। के बाद आज हमारे देश में राम मंदिर में आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ऐसे अवसर को श्राद्ध से जोड़ना, ऐसे जीते हुए प्रतिनिधि को संसद कहलाने का कोई हक नहीं है। और हम यह उनसे उन्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं, उनसे यह मांग करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे देश के सभी युवाओं से, हमारे देश के सनातन प्रेमियों से वो माफी मांगने का काम करें, और नहीं तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें नालंदा की युवा, देश की युवा और राम भक्त उन्हें उन्हें हरा कर उन्हें आने वाले समय में जवाब देने की काम करेगी। आज हम सभी उनके खिलाफ आज पुतला दहन करने का काम किया गया है, और इस भूमि पर, जिस भूमि पर उन्होंने खड़ा होकर के प्रभु श्री राम के बारे में इस तरह का बयान दिया, वहाँ गंगा जल छिड़क करके शुद्धिकरण किया। प्रतीक राज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य।